आर्य साक्षात्कार में तथ्य आपके पास में होने चाहिए, तथ्यों के साथ में आप अपनी बात कहनी चाहिए, और तथ्य होंगे और उनका एनालिसिस होगा और उसमें एक तड़का देना पड़ेगा, और वो तड़का मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब वो तड़का आपको कैसे देना है। ठीक है, आप आरएस मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं तो आपके पास में ज्ञान के स्तर पे कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब सवाल है कि आपका जो विजन है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो किसी चीज के प्रति बदलना है, वो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा नीति। ठीक है, अब सौर ऊर्जा नीति से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाए ना, तो अब वो सवाल तो मुख्य परीक्षा में पूछ लिए, अब वो कैसे पूछेंगे आपसे? अब पूछेंगे कि भारत सरकार या राज्य सरकार एनर्जी को लेकर के क्या करनी चाहिए, तो आपके पास में फटाफट पॉइंट होने चाहिए कि साहब ये पॉइंट है। तो साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है? कम शब्दों के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कह सके, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, किसी भी समय आप देखना अखबारों में न्यूज छपती है जब, ठीक, और अधिकारी से कोई भी विषय पर पूछा जाता है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो 1 सेकंड रुकता है, वो कहता मैं कार्यालय नहीं पहुंचा हूं, हाँ इस संबंध में जांच आई हुई है, इसका पता लगाएंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। तो आपने एक चीज नोट की होगी, कितनी भी गहरी से गहरी समस्या हो उस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, और उस पर क्या कहा जाता है कि भाई देखते हैं, जांच करवाएंगे, समय लगेगा, देखा जा रहा है, इस संबंध के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, या जो भी जवाब हो। तो शब्द जो है वो कैसे होने चाहिए? प्रशासनिक शब्दावली होनी चाहिए आपकी। तो साक्षात्कार के लिए भी यही बात है, आपसे कोई टॉपिक पूछा जाए उस पर आपका दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एक सरकारी कर्मचारी का, एक लोक सेवक का होता है। दो दृष्टिकोण है। ठीक, अगर आम जनता से पूछा जाए कि कोरोना को लेकर के क्या है, तो जनता तो आम जनता है, वो अपने मन का गुबार निकाल सकती है, कुछ भी कह सकती है। ठीक, लेकिन चूंकि आप एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाए, साक्षात्कार बोर्ड जानबूझ करके ऐसे कुछ लघु शब्द फेंकता है जिसमें वो कहता है व्यवस्था में बहुत ज्यादा कमजोरी है, राज्य सरकार फेल रही है, केंद्र सरकार इस मोर्चे पर फेल रही है, बहुत नकारात्मक चीजें सामने आई, तो आपको धीरे धीरे उन बातों का खंडन करना है। और ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं, किसी भी समस्या को लेकर के सर, अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड कहता है कि सर कोरोना में राज्य सरकार फेल रही है, तो आप ये कह सकते हो सर कोरोना में राज्य सरकार फेल नहीं रही थी, एक नई आपदा थी और राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया, इसके लिए पूरे भारत में नहीं दुनिया में राज्य सरकार को सराहा गया है, अधिकारियों की भूमिका बहुत अच्छी रही, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत ज्यादा रही, जनता की भूमिका बहुत ज्यादा अच्छा रही। तो आपके पास में दृष्टि दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? कोई भी समस्या आए उसके अंतर्गत आपका दृष्टिकोण इसी तरीके से होना चाहिए कि समस्या नहीं थी सर, कुछ छोटी मोटी कमियां रह सकती है, लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदा थी, पूर्व प्रबंधन हो नहीं सकता, तो इस संबंध में छोटी मोटी परेशानियां जरूर आई, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी विपदा है उसके सामने अगर छोटी मोटी कमियां रह भी गई है तो वो विचारणीय नहीं है। भविष्य के लिए जरूर हम चिंतन कर सकते हैं कि भाई भविष्य में अगर इस तरीके की समस्या आएगा तो उन डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे आपसे पूछे भ्रष्टाचार को लेकर के पूछे, नक्सलवाद को लेकर के पूछे, आतंकवाद को लेकर के पूछे, या आरक्षण को लेकर के पूछे, किसी भी विषय पर पूछे, आपके निजी मत क्या है उनका कोई रोल नहीं है। उस संबंध के अंतर्गत आप एक शब्द हृदंगम कर लीजिए कि भारत सरकार की नीतियां बहुत सही है, विशेषज्ञ लोग बनाते हैं वहां पे, राज्य सरकार की नीतियां बहुत सही है, फिर भी कार्यपालिका विधायिका प्रशासन के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करने के लिए बैठी है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जनता अपने अधिकारों के प्रति दिन प्रतिदिन जागरूक हो रही है, तो और गुड गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट आई है, सूचना का अधिकार है, सोशल ऑडिटिंग है, इस तरीके से सिविल सोसाइटी है, इस तरीके के जो नवाचार हो रहे हैं, सत्ता का ज्यादा से ज्यादा छितराव किया जा रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, तो इस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी की जो शब्दावली होती है वो कि वो शब्दावली आपकी होनी चाहिए। वापस संक्षेप में कहूं तो लोक सेवक से उम्मीद की जाती है सरकार की नीतियों में विश्वास हो, संविधान में विश्वास हो, न्यायपालिका में विश्वास हो, और शासन के और प्रशासन के बीच के अंतर्गत अतिवादी दृष्टिकोण नहीं चलता। दृष्टिकोण कैसा चलता है? दृष्टिकोण उसका नहीं चलता जो समस्याओं का रोना रोए, समस्या है तो भी उपलब्ध जो संसाधनों का जो बेहतर प्रयोग करते हुए जो उचित निर्णय ले वही एक अच्छा प्रशासक है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी और रिजल्ट की चिंता ना करें, रिजल्ट जल्द आ जाएगा, तब तक आप छोटा मोटा टाइम न्यूज़पेपर वगैरह करंट इश्यू पे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।